अरे अब तो बोल रहे हैं सुभान अल्लाह मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा को दिल में लेके उठे है ईमान का को दिल में लेके उठे है ईमान का शेर साहब लखीमपुर खीरी में पढ़ रहे थे। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कुछ सेकंड की, सज्जाद आजम लखीमपुरी साहब उस मुशायरे हाँ एक मिनट शमशेर, और जैसे इन्होंने पढ़ा कि ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, ये मतलब पढ़ ही रहे थे कि थोड़ी देर में स्टेज ने कहा कि मैं धरती चूम लूंगा और स्टेज टूट गया और आज तक उसमें मेरी घड़ी टूट के गई, अभी तक मिला नहीं। कई लोगों के पैर हाथ भी टूट गए उसमें, तो डर लगता है, लेकिन यहाँ का स्टेज बहुत मजबूत है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ भी नहीं टूटेगा, जितना चूमना है ये चूम सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ पढ़ा भाई, वो ऑपरेटर से गुजारिश है कि जब ये पढ़ रहे होते हैं तो बीच में मैं दाद देता हूँ तो आपके इस छोटे माइक की आवाज गायब हो जाती है, थोड़ा देखिए दोनों में आवाज बनाए थोड़ा। हाँ पेश करता हूँ, दोबारा पढ़ने का हुक्म हुआ है चाचिया का और तमाम चौके क्या क्या चुम लेंगे। मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा को दिल में लेके उठे है ईमान का
पेश करता हूं भाई आपकी मोहब्बत के सराखों पर अहले डाइस के हवाले से पेश करता हूं मतलब कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, मुश्किलें मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, जो मुसीबत हट जाएगी, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बदल जाएगी। वाह भाई वाह, वाह शमशेर जहाना गंजवी, वाह। हाँ पढ़ते जाओ। पेश करता हूँ मुलाजा करें एक शेर हाजिर करता हूँ अगर खास मुलाजा करें कि काफी लोगों वाले बहुत सारे अल्लाह फायदा उठा सकते हैं। आपकी इजाजत है जी शान जी 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 शाहिद बेग साहब भी तशरीफ फरमा है इनकी भी तवज्जो। पेश करता हूं एक एक शेर पेश करता हूं बतौर खास मुलाजा कर ले और आपकी भी दुआएं चाहूंगा इंशाल्लाह। डाइस की ही जिम्मेदारी नहीं है, आप भी आ जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आप पर। पेश करता हूं मुलाजा कर ले कि काफी लोगों वाले से तू जरा क्या बात है पीछे रह जाने का गम ना कर,
अज़मते रसूल मोहब्बते रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। आए आए हजीमा तेरी ऊंटनी शुक्रिया अल्लाह सलामत सबसे आगे निकल जाए जिंदाबाद जिंदाबाद वाह। आए हजीमा तेरी ऊंटनी सबसे आगे निकल जाए कि ऐ हलीमा तेरी ऊंटनी ऐ हलीमा तेरी ऊंटनी सबसे आगे निकल जाए ऐ हलीमा तेरी ऊंटनी सबसे आगे निकल जाए। और बुलाई जाए चलते चलाते एक शेर और पेश कर रहा हूं खास मुलाजा करें कि ऐ है हलीमा तेरी ऊंटनी आप उठेंगे दीवारों दर कांप उठेंगे दीवारों दर कांप उठेंगे दीवारों दर टूट जाए अल्लाह सलामत रखे अब तक गाइस से चल रहा था एक नोट मजमे से आया है बहुत चीज फरमाइशें हैं किसको पढूं किसको छोड़ दूं जनाब डॉक्टर सुजल साहब की एक फरमाइश है कि फारस से चले आए सलमान मदीने में उससे सोच रहा हूं कि एक मतलब दो बंद पढ़ता हूं पेश करता हूं बतौर खास खुलासा अगले कमेटी वालों का हुक्म था और बहुत से दोस्तों की फरमाइश मतलब हाजिर करता हूं बतौर खास खुलासा अगले पेश करता हूं मुलाजा करता हूं।